बिस्मिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ते। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन बोनलेस, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, एक टमाटर है, ये सारे मसाले हैं और ये है खशास, पोपी सीड्स भी कहते हैं इसको। तो ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके बीच में डालना है हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज। प्याज जो है इसको मैंने पानी निकाल लिया है, पानी अगर निकालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें मसाले यूज़ करते हैं 1/2 टीस्पून, मैंने 1 टीस्पून मैंने किया है नमक और 1 टीस्पून सुरख मिर्च और ये 1 टीस्पून है सूखा हुआ धनिया, सूखा धनिया और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसके बीच में हम ऐसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं और ये हैं ब्रेड के 2 पीसेस, इसको भी छोटा करके इसमें डाल देते हैं। आप इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के हम चॉप कर लेंगे। ये ब्रेड पीसेस मैंने इसलिए डाले हैं ताकि कोफ्ते टूटे ना। आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ कुकिंग की और थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, इंशाल्लाह अच्छी बन जाएगी। ये चॉप हो गए, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, ये देखिए बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है। तो इसको निकाल देते, इसको आप आधे घंटे के लिए आप इस रख देते हैं, थोड़ा सेट हो जाए। ग्रीन चिली नहीं हो सके, बाद में
सारा अच्छे से निकालना है ताकि सारा ना कीमा है ना स्टक हो जाता है। चलिए जी आप इसको आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं, सेट हो जाएगा। इसके बाद इसके हम बॉल्स बनाएंगे। अब कढ़ाई में डालते हैं उतनी देर में ऑयल, हम डालेंगे इसको हम डालेंगे प्याज, प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए इसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज ब्राउन हो रहे हैं इसको मैं थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करूँगी, और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और फिर इन सबको निकाल के तो फिर हम ब्लेंड कर लेंगे, ताकि अगर ब्लेंड कर लें तो मसाला ज़रा अच्छा बन जाता है, थिक बनता है ग्रेवी अच्छी थिक बनती है। ये जो चिकन तो हमने चॉप किया था, जब तक हमारा मसाला बनता है अभी देखें बाहर देखते हैं हम कितना कैसा अच्छा मौसम है। आज इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, हर तरफ वाइट वाइट हुआ है। अभी लहसुन ब्राउन गोल्डन हो गया, अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद मिर्ची डाल देते हैं, टमाटर डाल दें, इसके बाद फिर इसमें मसाले डाल दें,
अब इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया और बाकी मसाले हम एंड कर देंगे। ऑयल लगाने के लिए स्टिक करना है। बहुत इख्तियार से करना ये कोफ्ते हमें लो टू मीडियम हीट पे हमें फ्राई करने हैं। अगर ज़्यादा हीट पे करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये छोटे छोटे टिप्स होती है जिनका ख्याल रखना। अब ये देखें ऑयल अलग आना शुरू हो गया है, 20-25 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये अंदर तक जो है बहुत पक गए। इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा
और फिर थोड़ी देर के लिए इसको पका लेते हैं। और इसके बाद फिर ये जैसे ही वो ग्रेवी थोड़ी पक जाएगी, हल्की सी ग्रेवी भी होनी चाहिए ना, तो फिर हम इसको डिश ऑफ कर लेंगे और फिर इसमें अंडे डाल के आपको दिखाते हैं।